लास्ट की वीडियो मैंने आपको बताया था फ्रेंड, अगर आप नावी लोन से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हुआ था, जहां से मैंने सबसे पहले नावी में आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था और नावी का जो नया इंटरफेस आया उसके बारे में बताया था, और उसमें से आप लोन के लिए आवेदन कैसे करेंगे अपना सिविल स्कोर के थ्रू मैंने कंप्लीट प्रोसेस दिखाया था, जिसमें अब तक आपके अकाउंट में लोन आ जाता है। तो मेरे पास कमेंट्स उसमें यह आया था कि अगर हमारा सिविल स्कोर सही नहीं है, हम सिर्फ आधार कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो लोन कैसे आवेदन कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड सिर्फ आधार कार्ड से लोन नावी भी देता है, लेकिन मैं आपको एक भी अच्छा एप्लीकेशन बताने वाला हूं जहां से आप इसमें से लोन लेना चाहते हैं तो लोन कैसे ले सकते हैं। इसमें से अगर आप लोन लेते हैं तो कितना मैक्सिमम अमाउंट आप लोन ले सकते हैं, इसके साथ साथ कितने परसेंट का आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है, ईएमआई आपकी कितना मिलेगी और कितना अमाउंट तक का आप इसमें से लोन ले सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अब आपके मन में एक सवाल यह आता था कि ऐप्स कौन सा थी, इसमें आपको आगे वीडियो बताऊंगा, आप वीडियो छोड़ के जा भी सकते हो, वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड। इससे होता ही है कि आप अगर गलत प्रोसेस करेंगे तो आपको लोन नहीं मिल सकता है, इसलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस एप्स का लिंक मिलेगा, इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से जो एप्स है उसका नाम है ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन। आप इसे इंस्टॉल करेंगे फिर तो आपको सिंपली करना क्या है, आपके सामने इस प्रकार से साइड में स्क्रीन दिखेगी तो आप स्क्रीन में देखते चलिएगा। आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ प्रकार से ओपन होकर आ जाता है, जहाँ से आपको बताया जाता है फिर RBI के द्वारा लाइसेंस अप्रूव वगैरह ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। फिर आपको अपना इसे मोबाइल नंबर देना, तो मैं अपना एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ फ्रेंड। यहीं से मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहीं से टर्म को एक्सेप्ट करना एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके नंबर में OTP सेंड की जाएगी, फिर OTP डाल के आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो OTP आपकी यहीं सक्सेसफुली हो जाएगी। फिर आपको अपना एक बताया जाएगा ट्रू बैलेंस न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, आप अपना ऐसे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको क्रिएट करना है। इसके अलावा आप इसमें से जो भी वर्ड यूज करना चाहते हैं आप वो वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पासवर्ड क्रिएट करके पासवर्ड को कन्फर्म करके कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब इसके अलावा इसे देख सकते हैं कुछ परमिशन मांगेगा आपको, जिसमें SMS की, डिवाइस की, लोकेशन, कैमरा और पर्सनल यूजर्स की परमिशन रहेगी। इन सबको एग्री करना है एंड एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहां से आपको इसे देख सकते हैं बताया जाएगा सबसे पहले ही और प्रोडक्ट यहीं से लोन ट्रू बैलेंस। आप कैश लोन ले सकते हैं जिनमें 5,000 से 1,00,000 रुपए तक का दिया जाएगा। टर्न का रीपेमेंट कितने में कर सकते हैं, फिर 3 महीने से 12 महीने रहेगा। मंथली जो इंटरेस्ट रेट है आपको कितना दिया जाता है, तो 2.4% का आपको मंथली इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इसके साथ साथ बताया जाता है प्रोसेसिंग फीस के बारे में, तो जितना रहेगा 0 से लेकर 15% तक का आपको ऐसे प्रोसेसिंग फीस देना पड़ सकता है। इसके अलावा बताया जाएगा डिपेंडिंग ऑन ए सिचुएशन एडिशनल डॉक्यूमेंट सच ए बैंक यहीं से समरी माई दो बी रिक्वायर्ड, यानी आपके जो बैंक रिक्वायर्ड के अनुसार है उसमें आप देख सकते हैं। दूसरा बताया जाता है आपको लेवल लोन, अप लेवल लोन के बारे में ये देख सकते हैं बताया जाएगा, जिनमें लेवल लोन अप में बात करूँ फिर तो अप टू कितना लोन ले सकते हैं, यहाँ से 1,000 से लेकर 30,000 के बीच में और ये 3 महीने के लिए रहता है। अगर मंथली इसकी टर्न ओवर की बात करें फिर 30 रिटर्न जो है इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको 2.4% है। प्रोसेसिंग फीस भी आपको अप टू 15% रहता है और इसमें भी सेम कंडीशन बताई गई है। वेलकम लोन की बात करें फिर 1,000 से 6,000 के ले सकते हैं, ये मात्र 62 दिन का जाता है, यानी 2 महीने का आपके लोन दिया जाता है। इसमें कई सारे लोन है, लोन मार्केट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ट्रू बैलेंस वैलेट का आपको ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब इसे देख सकते हैं, अगर आपने पहले से कोई KYC की होगी तो आपकी KYC इसे देख सकते हैं बताई जाएगी कि एक्सपायर हो चुकी है, तो आप अपनी KYC को फिर से कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ से कैश लोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ नीचे आएंगे तो आपको लेबर लोन्स के बारे में बताया जाएगा, और यहीं से आप रेफर करके भी अर्न करना चाहें तो रेफर करके भी आप यहीं से अर्न कर सकते हैं। जहाँ अगर कैश लोन के लिए अगर आप आवेदन करना चाहें तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है इसे अप्लाई नाउ का, आपको सिंपली अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे फिर तो आपको बोला जाता है KYC के लिए, जहाँ बताया जाएगा KYC आपकी मैंडेटरी है, जहाँ से बता RBI के टर्म के अनुसार 1 टाइम सेटअप होगा, यहाँ से लॉन्ग टाइम बेनिफिट आपको दिया जाएगा। आप यहाँ से लोन कितना ले सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, 1,00,000 रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं जस्ट 5 मिनट में। क्विक अप्रूवल है, नो हिडन चार्ज है, फुल डिटेल आपको जो रहेगा वो ऑनलाइन पेपरलेस रहेगा, प्रोसेस रहेगा। अब इसको 3 इजी स्टेप में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ सबसे पहला बताया जाएगा कि आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी KYC को, सेलेक्ट करना पड़ेगा लोन ऑफर्स हैं जो प्लान है, फिर यहाँ से बताया जाएगा कहीं से डिस्पूसलर विद इन मिनट से उसके अंदर मिल जाएगा आपको KYC। तो आपको ये 2 बॉक्स दी जाता है, आपको इसकी टर्म
दोनों कहीं से एक्सेप्ट कर लेना दोनों केवाईसी वाला। तो अब यहाँ चलिए इसकी बॉक्स को एक्सेप्ट यहीं से कर लेते हैं, बॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहीं से बोला जाएगा आप किस लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहते हैं, अगर इंग्लिश प्रेफर करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे, अगर हिंदी आप प्रेफर करना चाहते हैं तो आप हिंदी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको पैन कार्ड का नंबर डालने के लिए बोल रहा है, फिर तो अपने पैन कार्ड का आपको यहीं से नंबर फिल करना है, तो हम अपने यहीं से पैन कार्ड का नंबर फिल कर देते हैं। तो जैसे अपने पैन कार्ड कहीं से नंबर आप डालेंगे, नंबर डालने के बाद आपके पैन कार्ड को ये वेरीफाई करेगा, तो जब तक ये वेरीफाई करेगा तो आपके यहीं से वेट कर लेना है, आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएगी जिसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर्स रहेगा और अदर चीज़ें रहेंगी। फिर यहीं से बोला जा रहा है कि आपको DOB फिल करने के लिए, तो आपकी जो भी DOB रहेगी आप वो DOB को फिल करेंगे एंड नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है, आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर यहीं से क्लिक करेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं बोला जा रहा है कि आपके नंबर में एक OTP सेंड किया जाएगा, जो आपके यहीं से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ से डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है, फिर आपको एक ऑप्शन इसे नीचे दिया जाता है फ्रेंड कंप्लीट और आधार KYC का, आपको इस पर क्लिक करके अपनी KYC को यहीं से कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड देख सकते हैं हमने अपना यहाँ से फिल कर दिया, आधार कार्ड का नंबर डाल दिया, इसके बाद हमें इसे वेरीफाई को जो OTP आएगा वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहीं से ID को वेरीफाई करेगा। अब यहाँ देख सकते हैं आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई हो चुकी है, फिर आपको बोला जाएगा जो आपका करंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ से दिखा दिया जाता है, तो एड्रेस आप यहीं से देख सकते हैं। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन दिया जाता है वेरीफाई का, आपको सिंपली इसको टर्म को एक्सेप्ट करना एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे तो बोला जाएगा ऑप्शन योर KYC इज सक्सेसफुली डन, अब यहीं से जाएंगे गो टू कैश लोन, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, फिर इसकी टर्म को एक्सेप्ट करना है एंड एग्री पे क्लिक करना है। आपको फिर से इसे लोकेशन डिवाइस यूजर इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसे यूज करते हैं उसके लिए और ट्रांजेक्शन SMS के लिए परमिशन मांगा, तो इसकी परमिशन को एग्री करेंगे एंड एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने इसे बोला जाएगा कि हाउ मच लोन डू यू नीड, आपको कितना लोन की आपको नीड है। अगर 1,00,000 रुपये तक का लोन लेते हैं तो आपको 2.4% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर हम इसे 5,000 लोन की बात करूँ तो 5,000 लोन लेना चाहते हैं, कितने रुपए का आप लोन लेंगे 3 महीने या 6 महीने का उसे आप देख सकते हैं। यहीं से नीचे आपको EMI का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको नीचे इंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे इंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी 6 EMI मिलेंगी फ्रेंड, जिनमें पहली EMI आपकी रहेगी 972 रुपये की, दूसरी EMI 972 और जब सबसे लास्ट वाली EMI 6 वो 982 रुपये की रहेगी। अब आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा, ये आपको प्रोसेस करता है फ्रेंड, जहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, जिनमें आपका जो आधार स्टेटमेंट है, आधार की KYC, पैन कार्ड की आपको डिटेल, अदर चीज़ें भी आप यहाँ से चेक की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वेरीफाई हो जाएंगी। फिर इसके बाद यहीं से आपसे पूछेगा, आपको ऑप्शन आ जाएगा कि व्हाट द लोन पर्पज, आप किस पर्पज के लिए लोन लेना चाहते हैं, जहाँ से आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें सबसे पहला आपको मेडिकल है, दूसरा ऑप्शन आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा, फिर जहाँ से बात करूँ बिजनेस और यहीं से एजुकेशनल पर्सनल इमरजेंसी, यहाँ से पर्सनल इमरजेंसी है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अपने पर्पज का आपको नाम फिल करना पड़ेगा। अगर आप यहीं जैसे एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि एजुकेशन के लिए लोन लें तो आपको इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछा जाएगा कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपकी एजुकेशन लेवल क्या है आप उसे अगर पता किया जाएगा, जो भी आपकी एजुकेशन लेवल रहेगी उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर हाउसिंग टाइप आपका किस टाइप का है, कि आप सेल्फ ओनर हैं, रेंटेड हैं या फिर पेरेंटल है या रिलेवेंट है, जैसे मैं सेल्फ ओनर हूँ, जो भी आप उसे फिल करेंगे। अब यहाँ से पूछा जाता है फिर आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, फिर जॉब में क्या करते हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, इसके साथ साथ स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी आप करेगा उसे आपको यहीं से सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में जैसे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय रहेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉय को आपको यहीं से सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। देन पूछा जाएगा एम्प्लॉय टाइप आपका क्या है, रेगुलर है या फिर कंडीशनल है, मैं रेगुलर एम्प्लॉय जैसे हूँ। फिर पूछा जाएगा कितना समय हो गया आपको वर्क करते हुए, इसमें वर्क करते हुए कितना समय हो गया, तो आप अपने समय को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछा जाएगा आपकी कंपनी या शॉप्स का क्या नेम है, तो आपकी जो कंपनी या शॉप का नाम रहेगा फ्रेंड उसको आपको यहीं से फिल कर देना। तो मैं उदाहरण के लिए अपने चैनल के यहाँ से नेम फिल कर देता हूँ। इसके अलावा फिर आपसे पूछा जाएगा आपकी इंडस्ट्री क्या है, किस इंडस्ट्री में आप ये वर्क करते हैं, आपको किस टाइप की आपकी इंडस्ट्री है। आपको मल्टीपल ऑप्शन आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे, फूड सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, कार है, बैंकिंग फाइनेंस, IT, एजुकेशनल है, कंस्ट्रक्शन का काम, मेडिकल फार्मेसी, ई-कॉमर्स, आपको मीडिया या फिर अदर इंडस्ट्री, तो कई सारे आपको इंडस्ट्री का ऑप्शन दिए जाते हैं। जो भी आपकी इंडस्ट्री रहेगी उसको सेलेक्ट करेंगे, अगर फिर जो भी आपकी इंडस्ट्री रहेगी जैसे एजुकेशनल है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहीं से पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर जॉब, आपकी जॉब क्या है, उसमें
जो भी आपकी जॉब रहेगी उसको सेलेक्ट करेंगे। अब पूछा जाएगा कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, तो आप अपनी मंथली सैलरी, मैं आपको एक चीज़ यहाँ से रिकमेंड करूँगा फ्रेंड कि आप अपनी मंथली सैलरी थोड़ा सा बढ़ा के बताइए, जिससे अगर आपकी सैलरी नहीं है तो भी यहाँ से आप बताइए आपकी सैलरी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से 25,000 रुपये अपनी सैलरी यहीं से बता देता हूँ। फिर इसके टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, यहीं से आपको अपनी सैलरी आप यहाँ से फिल करेंगे एंड इसकी टर्म को आपको सिंपली यहीं से एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्ट करेंगे एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप जितना फॉर्म यहाँ से फिल करेंगे फिर उस सभी का आपको परसेंटेज यहीं देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसके परसेंटेज को आप यहीं से देख सकते हैं। बोला जाएगा कि व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम किस तारीख को आती है। अब बेसिकली इसलिए पूछ रहा है फ्रेंड कि जो भी आपकी ईएमआई कटेगी वो इसके जो चार्ज उसके बाद ही कटी जाएगी। जैसे अगर आपकी सैलरी आती है जैसे 1 तारीख को, तो आप यहाँ से 5 तारीख को सेलेक्ट करेंगे। पूछा जाएगा आप इनकम कैसे लेते हैं, तो बैंक अकाउंट में लेते हैं। आप बोला जाएगा कि विच यू लैंग्वेज यू आर प्रेफर, तो अगर किस लैंग्वेज को आप प्रेफर करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहीं से पूछा जाएगा कि आप अपने लोन का भुगतान का अनुभव आपको कैसा रहा है। यस आई अंडरस्टैंड लो प्रोडक्ट विल वेल, तो इस प्रकार आपके सामने ऑप्शन आएगा फ्रेंड, तो आपको यहीं से थोड़ा सा वेट कर लेना है। फिर आपके सामने इस प्रकार से आपको ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, तो आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो यहीं से आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आपको अपनी यहाँ से ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी आप जैसे यहाँ से फिल करेंगे, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है इवेल्युएट माई लोन्स का, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से आपके फिर से सारी चीज़ें चेक करता रहता है बीच बीच में, तो ये प्रोसेसिंग का थोड़ा सा समय लेगा फिर, तो आपको इसको यहीं से वेट कर लेना है। अब यहाँ बताया जाएगा कि योर लोन इज अंडर एवेल्युएशन, यानी आपके लोन को एवेल्युएट किया जा रहा है। फिर आपको बताया जाएगा इसमें आपको समय भी लग सकता है 1 घंटे 2 घंटे का, तो जिसमें आपको यहाँ से नीचे ऑप्शन एक देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ से आपको बताया जाता है कि नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव, अगर ये अप्रूव किया जाता है तो आपको यहीं से नोटिफाई किया जाए, तो यहीं से एक ऑप्शन दिया जाता है। तो फ्रेंड आपको इसमें 1 घंटे 2 घंटे या फिर जल्द भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको इसमें से समय लगता है, तो आप इस तरह से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है फ्रेंड, कैसे आप लोन के लिए आवेदन करेंगे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको यहीं से वेट करने के लिए ऑप्शन बोला जाता है, आपको यहीं से वेट कर लेना है, जहाँ से आपकी सारी चीज़ें को चेक करेगा फिर आपको बताया जाएगा। यहीं से फ्रेंड अगर आप इसे लोन को रेफर करके भी अर्न करना चाहें तो आप इसे रेफर करके भी अर्न कर सकते हैं, जिसके बारे में कभी फिर से वीडियो लेके आऊँगा जहाँ मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा। अगर आप इसमें से रेफर करके अर्न करना चाहते हैं तो रेफर करके आप इसमें से अर्न कैसे कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप इसके लिए लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर ट्रू बैलेंस से लोन लेना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड जरूरत पड़ेगी, वो भी आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड, वो आपको KYC के द्वारा ही ले लेता है। आई होप गाइस ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से आपको नए नए हेल्पफुल नॉलेजबल वीडियो पाने के लिए चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो यूट्यूब में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ से आपको सक्सेस टेक आप ही सर्च करेंगे या फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप जैसे सर्च करेंगे फ्रेंड तो आपके सामने चैनल आ जाएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए। मैं आपके लिए जितने भी हेल्पफुल नॉलेजबल वीडियो लाता रहता हूँ यहाँ से देख सकते हैं और कई सारे लोन्स की वीडियो मैं आपकी लाता रहता हूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।